नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सहयोग कर एक अच्छी व्यवस्था बनाने में करें मदद एसपी। पूर्वी चंपारण के चकिया में पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष की अध्यक्षता में बुधवार पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत लोगों की समस्याओं को एसपी द्वारा सुना गया और मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिला पुलिस कप्तान ने लगभग एक दर्जन मामलों को सुना तथा मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नगर में लगने वाले जाम, नो एंट्री, सड़क पर किए जाने वाले अतिक्रमण आदि पर भी शीघ्र ही कारगर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने युवाओं से नशे व सट्टेबाजी से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस आपके हर अच्छे काम में सहयोग करेगी तो बुरे में सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में सबसे ज्यादा सजाएं इस जिले में दिलाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में एंटी लिकर टास्क फोर्स के गठन की बात भी दोहराई। पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों से बच्चों पर निगरानी रखने की भी अपील की। उन्होंने पुलिस द्वारा 50,000 या उससे ज्यादा की रकम के लिए निःशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात भी कही। इसके पूर्व पुलिस कप्तान को थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां उन्होंने जन समाधान, नशा मुक्ति व जन सुरक्षा नाम से 3 अलग अलग वृक्ष लगाए। दर्जन मामलों का आज निपटारा यहाँ पर किया गया है। ज़्यादातर मामले जो हैं जमीनी विवाद और आपसी झगड़े की वजह से जुड़े हुए हैं, जिसमें गिरफ्तारी को लेकर के आवेदन दिया गया है। इन समस्याओं को हम लोगों ने सुना है और इसका समाधान हम लोग अगले 24 घंटे में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है नशा मुक्ति के लिए जो हमारा अभियान है शराबबंदी के लिए, वो हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। इसमें एक पर्चा भी बांटा गया है मोतिहारी पुलिस की, अब तक उसमें जो कार्रवाई हुई है वो हम लोग इसमें दे करके जनता से अपील कर रहे हैं कि शराबबंदी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, और अगर कहीं इस तरह से कोई अभी भी शराब का व्यवसाय कर रहा है या पी रहा है तो उसके बारे में सूचना दें ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। इसके साथ शराब पीने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, पुलिस कैसी कार्रवाई कर रही है, कितने लोगों को सज़ा दिलाई गई है, बापू का क्या संदेश था, वो सभी हम लोग इस पर्चे के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि शराबबंदी के पक्ष में माहौल बनाए। और इसके साथ ही थाना परिसर में हम लोगों ने 3 वृक्ष लगाए हैं। एक वृक्ष जो है वो जन समाधान के लिए है, क्योंकि आज जन समाधान दिवस था तो जन समाधान वृक्ष है। दूसरा वृक्ष नशा मुक्ति वृक्ष है, जो कि हमारे शराबबंदी अभियान को की सार्थकता को सिद्ध करता है। और तीसरा वृक्ष जन सुरक्षा का वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पर व्यवसायी वर्ग काफ़ी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपील की थी, जिस पर हमने व्यापक रूप से कहा है कि अगर 50,000 रुपये से ऊपर की रकम कोई लेकर के जा रहा है तो उसको सुरक्षा हम लोग मुहैया तुरंत करवाएंगे। तो एक जन सुरक्षा वृक्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, जिसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेवारी यहाँ के नागरिकों ने उठाई है कि आने वाले समय में वो उसका पालन पोषण भी करेंगे। और इस प्रकार ये पुलिस और पब्लिक के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है।